आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरा यहीं से, तो आप लोग पूरा ब्लॉग को जरूर देखिए। तो अभी हम लोग जो आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो वेलकम टू माय चैनल डुप्पू ब्लॉग और डुप्पू फेसबुक पेज में स्वागत है फ्रेंड। तो अभी जो है गुड मॉर्निंग सबको। तो हम जो है 5:30 बजे उठ चुके हैं क्योंकि नायशा को स्कूल भेजना है, उसके लिए जो है हम बना रहे हैं टिफिन। तो चलिए टिफिन क्या बना रहे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। पर भिंडी और बैंगन को फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद जो है रोटी, उसके बाद यहाँ पे केला और पानी रोटी देंगे भुजिया के साथ। तो चलिए ये सबको जो है ये करते हैं, पहले फ्राई कर लेते हैं, टिफिन रेडी करते हैं, फिर जो है आप लोग से मिलते हैं। यहाँ पे जो है टिफिन हो गया है रेडी नायशा का। तो टिफिन में दे दिए हैं रोटी और भुजिया और केला। तो एक ही रोटी दी है क्योंकि वो ज़्यादा खाती नहीं है। और यहाँ पे बन के हो गया। नायशा, पापा को पकड़ के सोने से और नहीं होगा बेटा, उठो, टाइम हो रहा है। यहाँ पे पापा कर रहे हैं बेटी का मसाज, देख सकते हैं, क्योंकि हमारी नायशा जो है वो थक चुकी है, तो उसका डेली का रूटीन है, उसका पापा उसका पहले मसाज करते हैं उठने से पहले, ताकि वो फ्रेशनेस फील करे, बदन में दर्द। ठीक है मई, तेरे बदन अत्ता दर्द है क्या? तो यहाँ पे बाप बेटी का एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है बाप बेटी का। तो नायशा यहाँ पे चली गई नहाने के लिए, नायशा और नायशा का पापा। तो यहाँ पे नहा के नायशा स्कूल के लिए रेडी हो गई है, तो उनके पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो नायशा जा रही है यहाँ पे, फिर हमें वो बाय बाय की, उसके बाद फिर वो लोग चले गई पापा और बेटी। तो हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे नहा के हो गए हैं रेडी, और नायशा को तो उसका पापा स्कूल छोड़ के आए थे, स्कूल नहीं तो बस में, जब जहाँ पे बस आते हैं वहाँ पे छोड़ के आ गए थे उनको। तो उसके बाद फिर उनका पापा जो है, उसका पापा को भी कहीं जाना था तो वो भी चले गए। तो सारा काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है, बस अभी जब एक काम बचा है वो है नायशा को लाने का। तो चलिए जब फिर नायशा को लाने जाएंगे तब फिर आप लोग से मिलेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं हम जो है नायशा को लाने के लिए, क्योंकि ड्राइवर अंकल का, ड्राइवर भैया का फ़ोन आए थे, बोले जो आप आ जाइए, हम लोग जो है आ रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं नायशा को लेने के लिए। तो अभी जो है ना नायशा को लाने के लिए जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि रास्ता जो है पाइपलाइन का काम हो रहा है, तो आप लोग को चलिए दिखाते भी है। तो इसके वजह से जो है मेन रोड में जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बढ़िया से वीडियो बनाइएगा और हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको एकदम। आंटी आगे बढ़े, साथ में हम लोग भी बढ़ेंगे, हम लोग करेंगे एकदम। ठीक है, मेरा जो है अभी एक सब्सक्राइबर भाई मिले थे, तो फिर उनका वो बोल रहे थे, तो उनका भी सोचे चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं, तो उनका भी क्लिप जो है हम थोड़ा सा ले लिए। तो गाइस कितना ज़्यादा धूप है यहाँ। नायशा को लेके हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं घर। यहाँ पे नायशा है, धूप में पूरा जब है लाल हो गई है, तो दौड़ दौड़ के जा रही है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गया है। और यहाँ पे मेरा
पसीना देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना हो रखे हैं हम। धूप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हड़बड़ी में जो है छाता ले जाना भूल गए थे। घर में बैठे हैं तब जाके रिलैक्स मिल रहा है, इतना ज़्यादा बाहर में धूप है। इतना जल्दी जल्दी आए हैं हम लोग पैदल, पूरा एकदम हाँप गए हैं। तो आप एसी चला दिए हैं, अब थोड़ा सा आराम करेंगे तब जाके कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी रील्स बनाने के लिए। तो कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके जो है और कैसे लग रहे हैं। तो चलिए रेडी होते हैं, फिर आप लोग से जो है मिलेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेडी हुए थे रील्स बनाने के लिए। तो रील्स तो बहुत सारा शूट कर लिए हैं, अभी करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो रील्स कैसा लगा नहीं लगा कमेंट करके जो है थोड़ा आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो के उठे, उठने के बाद हस्बैंड जी बोला कि चलो बाज़ार कुछ लेना है। तो फिर हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे शॉपिंग हम लोग का दुर्गा पूजा का स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा बहुत जो है दालकोला में ही कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे गए, ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया तो हस्बैंड जी ने ले लिए मेरे लिए। तो बहुत कुछ लेना था, तो क्या क्या लेंगे वो सब तो आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ बोल रहे थे बट बाजा बज रहा था, तो रियल वॉइस जो है नहीं दे सके, नहीं तो कॉपीराइट लग जाता। तो ये भैया जो है देवानंद भैया को मजाक कर रहे थे हस्बैंड जी। तो यहाँ पे वो भी जो है साड़ी दिखा रहे थे दूसरे को, तो हस्बैंड जी भी जाके ऊपर में बैठ गए। तो हम बोले क्या यही अंकल जो है, इसी अंकल का दुकान है ये, सब जानते ही होंगे दालकोला का, बहुत दूर दूर तक भी जानते होंगे। और यहाँ पे हम लोग साड़ी देखना स्टार्ट किए बट कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा देख लिए थे, क्योंकि देख सकते साइड में इतना सारा फेंका हुआ है, इतना सारा देख लिए। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी वीडियो बना रहे थे देवानंद का, अब बोल रहा था रुको तुम्हारा ब्लॉग छोड़ेंगे। तो हंसी मजाक हो रहा था क्योंकि ये हस्बैंड जी का क्लाइंट भी है इसके लिए। और यहाँ पे अंकल फिर से साड़ी लेके आया था लेकिन बट कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। लास्ट में जाके ग्रीन वाला पसंद आया तो वही वाला ले लिए, क्योंकि उस वाला हस्बैंड जी को पसंद आया था। तो अंकल हंस रहे थे जो कुछ नहीं है साड़ी। तो ये भी अंकल ही है, ये भी बहुत पुराना स्टाफ है दुकान का, तो सब कुछ जान परिचय है। तो हस्बैंड जी जो है बात कर रहे थे लेकिन जो रियल वॉइस है इसलिए नहीं दे सके, क्योंकि गणपति पापा का विसर्जन हो रहा था, बहुत ज़्यादा गाना बज रहा था, इसके लिए जो है रियल साउंड नहीं दे सके। तो चलिए आज का